हे hey, दोस्तों आज जो मैं अपडेट लेकर आई हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड पीजीटी वाले जो हैं अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और जूनियर इंजीनियर वाले अपने फाइनल आंसर की का वेट कर रहे हैं लेकिन इनका रिज़ल्ट जो है दोनों का ही पंद्रह जनवरी से पहले जो है रिजल्ट जो है आउट हो जाना है मैं नहीं चाहती आप लैब असिस्टेंट वालों की तरह गलती करें और आपका जो है एक साल जो है बर्बाद हो जाए बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों जैसे कि आपको पता है पी वालों का फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का टीवी जो है हो चुका है अब उनका फाइनल रिज़ल्ट आएगा और जी जूनियर इंजीनियर वालों का जो है फाइनल आंसर किया जाएगी फाइनल आंसर की कब आएगी वो तो मैंने आपको कल ही वीडियो में बता दिया था जूनियर इंजीनियर वालों मेरी बात बातों पर जो है ट्रस्ट कर लो जो मैंने बताया है मैंने एकदम सटीक जो है वीडियो आपके लिए बनाई है लेकिन अब जो है रिज़ल्ट की बता रही हूँ आपका जो है साल बर्बाद ना हो इसलिए वो डॉक्यूमेंट जो है ज़रूर तैयार कर लेना लैब असिस्टेंट वालों का जो फाइनल रिज़ल्ट आउट हुआ था उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से ही उन्हें जो है उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है नाम नहीं आ पाया मैं नहीं चाहती आप लोगों का भी साथ ऐसा ही हो सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गलती की वजह से आपको जो है बाहर कर दिया जाए ठीक है दोस्तों देखने में सिर्फ लगता है कि बस डॉक्यूमेंट ही तो जो है जमा करने हैं लेकिन अब जो है झारखंड जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे जेई वालों भी देख लो और पीजीटी वालों भी देख लो क्योंकि पीजीटी वालों के तो अब रिजल्ट ही जो है जो और सब्जेक्ट के रह रहे हैं वो जो है आउट होने ही जा रही है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है उन पर जो है ज़रा ध्यान देना सबसे पहले जो है आपको जो है अपना डी का कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड जो है लेके जाना है ठीक है वो तो आपका जब आएगा ये अभी आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है मैं बता रही हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है तैयार करनी है एक फाइल जो है बना लेना जिसमें जो है सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको जो है रख लेने ठीक है कॉल लेटर आपको ज़रूर लेके जाना है ठीक है रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है आप अपना जरूर बनवा लो यानी कि निवास स्थान प्रमाण पत्र बनवा लो भाई जहाँ पर आप रहते हो वो निवास स्थान प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा जरूरी है ये सर्टिफिकेट जो है लोगों ने नहीं बनवाए थे मात खा गए ठीक है टेंथ की मार्कशीट सनद सब जो है तैयार कर लो एक फाइल में ये जो है ज़रूर लगेगी डीबी में मांग रहे हैं टेंथ की और ट्वेल्थ की आपकी जो है मार्कशीट होनी चाहिए अगर संद है तो सन्द भी जो है लेके चले जाना दो पासपोर्ट फोटो लेके जाने हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट चाहिएगा भाई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में चाहे भी आपका आधार कार्ड हो वोटर आई हो ड्राइविंग लाइसेंस हो कुछ भी हो वो जो है आप लेके चले जाना करेक्टर सर्टिफिकेट जी हाँ चरित्र प्रमाण पत्र भी जो है मांगा जा रहा है तो है उसे भी जो है बनवा लेना ठीक है बहुत सो में तो ज्वाइनिंग के टाइम पे मांगते हैं बहुत सो में जो है जब आपका डीवी होता है तो तभी जो है मांग लेती है इसलिए इसे भी जो है बनवा लेना एफिडेविट जो है ज़रूर बनवा लेना ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई एफिडेविट एफिडेविट जो है अगर आपके किसी जो है मार्कशीट में नाम की प्रॉब्लम है जैसे आपके फ़ादर नाम की मिस्टेक है ठीक है या आपकी जो है आपके नाम में मिस्टेक है तो ये एफिडेविट यानी कि शपथ प्रमाण पत्र रहेगा तो वो जो है उसको जो है कवर कर लेगा इसलिए इसको तो ज़रूर बनवा लेना एन सर्टिफिकेट जो है उनको बनवाना है जिन्होंने अपने फॉर्म में जो है फिलअप कर रखा है कि वो कहीं और जो है जॉब करते हैं अगर आप कहीं किसी अदर सरकारी उसमें जॉब करते हैं तो आपको एन सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा अब कुछ और इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट हैं जैसे कि आपकी सी सर्टिफिकेट है ठीक है मैं यहीं लिख देती हूँ आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट है परसेंटेज सर्टिफिकेट है ये भी बनवाना है तो ये ये वाला जो है बनवा लेना आपका ठीक है कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी जो है आपको जो है बनवा के रख लेना है और आपको जो है अभी कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना है यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो है आपको जरूर बनवा के रख लेना है ओ और जो आपकी ई डब्ल्यू एस कैटेगरी है उनका जो है ये मांगा जा रहा है कास्ट सर्टिफिकेट ये जाति प्रमाण पत्र जो है आपको बनवा के रख लेना है कोई जो है डिसेबिलिटी है जिसमें कोई दिव्यांग है तो उसका भी प्रमाण पत्र जो है लगेगा तो ये जो इम्पोर्टेंट प्रमाण पत्र है जो है आपको जो है बनवा के जो है रख लेने हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है इससे अलग और कोई जो है आपका जो है सर्टिफिकेट जो है नहीं लगने वाला है और रिज़ल्ट जो है आपका जो जो जूनियर इंजीनियर वाले हैं इनका तो जो है आपका जो है पंद्रह जनवरी से पहले यानी कि दस जनवरी के आसपास जो है रिज़ल्ट जो है आउट हो जाना है और जो पीजीटी वाले हैं इनका और भी पहले जो है रिजल्ट आ जाना है समझ रहे हो पीजीटी वालों का तो हो सकता है आपका तीन या पाँच जनवरी को जो है रिज़ल्ट जो है आउट हो जाए तो जो मैं इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए बता रही हूँ इस वीडियो को फुल वॉच कर लोगे तो आपके लिए जो है जो है बेनिफिट जो है रहेगा अभी के लिए इतना ही थैंक यू सो मच दिस वीडियो